हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे आप लोग फेसबुक पर ऑटो प्ले वीडियोस को ऑफ कर सकते हैं, टर्न ऑफ कर सकते हैं। तो जैसे कि दोस्तों, यहां पर फेसबुक एप्लीकेशन यहां पर है, इसको मैं ओपन करता हूं। और गाइस, यहां पर आप लोग देख लीजिएगा मेरा आईडी जो पहले से लॉगिन है। तो अगर मैं नीचे आता हूँ सिंपली, सो गाइस यहाँ पर एक वीडियो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए गाइस, ये वीडियो ऑटोमेटिकली प्ले हो चुका है, ठीक है। तो ऐसे में दोस्तों, बहुत लोगों का ये प्रॉब्लम है कि वो लोग जो है ये ऑफ नहीं कर पा रहे हैं, और वैसे भी आपका जो है डाटा वो बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पर ऑफ करने के लिए थ्री लाइंस पे क्लिक करना है। नीचे आपको सिंपली आना है एंड यहाँ पर आपको मिल जाएगा सेटिंग एंड प्राइवेसी, इस पर क्लिक करना है दोस्तों। एंड यहाँ पर सेटिंग पर फिर से क्लिक करना होगा। फिर दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पर मीडिया ऑप्शन ढूंढना है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर मीडिया ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। सो गाइज, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पहला जो ऑप्शन है डाटा सेवर, इसको भी आप लोग जो है ऑन कर दीजिए, ठीक है। फिर दोस्तों आता है ऑटो प्ले ऑन मोबाइल डाटा एंड वाईफाई, इस पर जो है अभी फिलहाल टिक मार्क है, तो इसको आप हटा दीजिए एंड नेवर ऑटो प्ले इस पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो आपको सिंपली बैक आना है और चलिए देखते हैं कि वीडियो ऑटोमेटिकली प्ले हो चुका है, मतलब बंद हो चुका है कि नहीं। तो सिंपली नीचे आते हैं। सो गाइज, आप लोग यहां पर देख सकते हैं वीडियो ऑटोमेटिकली प्ले बंद हो चुका है। तो आप लोग इसी तरीके से फेसबुक पर ऑटो प्ले वीडियोस को टर्न ऑफ कर सकते हैं। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेट मिले और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोज़ बनाने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।